नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे समाज सेवी का समस्या अभियान, नेता हुए बेईमान। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच बदहाल सड़क पर नया बवाल शुरू हो गया है। दरअसल एक ओर जहां हरीश रावत ने बदहाल सड़कों की फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सरकार के दावों को पोल खोल दी है, तो वहीं दूसरी ओर आम लोगों ने भी बदहाल सड़कों से परेशान होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और इसी के तहत रुड़की में जगह जगह पर सड़कों पर बने गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर नाराजगी जताई जा रही है। बताते चले कि प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश की वजह से जगह जगह पर सड़कें बाधित चल रही हैं। बताया जाता है कि 200 से ज्यादा सड़कें इस समय बाधित हैं। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सरकार असल आंकड़ों को छिपा रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि पूरे प्रदेश में सड़कों का बुरा हाल है। राज्य की पूरी भाजपा सरकार प्रचार प्रसार में व्यस्त है। मुख्यमंत्री धामी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में आयोजित जनसभा और अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर के दौरे पर, इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के साथ ही अन्य मंत्री और विधायक भी चुनावी प्रचार में व्यस्त है और जिस पर विपक्ष तंज कस रहा है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को 2 दिनों के भीतर बंद सड़कों को खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री का कहना है सरकार बरसात के बाद राज्य में सड़कों की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर शुरू करेगी। हालांकि इससे पहले ही बदहाल सड़क पर हंगामा शुरू हो गया है और आज इन्हीं सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मानसून की तेज बारिश के बीच सड़कों की बदहाली पर नई सियासत शुरू हो गई। दरअसल कांग्रेस ने सड़कों के गड्ढों को सोशल मीडिया में अपलोड कर सरकार के दावों की पोल खोलने का फैसला लिया है। वहीं इस बीच भारी बारिश की वजह से पूरे प्रदेश भर में जगह जगह सड़कें बाधित होने से सरकार के सामने कई बड़ी चुनौतियां सामने आ गई। दरअसल तेज बारिश के बीच चारधाम यात्रा का संचालन, बंद सड़कों को खोलने के साथ ही पहाड़ की अन्य समस्याओं से पार पाना सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। हालांकि आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि शासन प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ ही चारधाम यात्रा के संचालन के साथ ही बंद मार्गों को खोलने के प्रयास में लगा हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। हैवी रेन की बात करें तो हमारे जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें की उत्तरकाशी, चमोली या रुद्रप्रयाग, इनमें संभावना दिखती है कि एका दुका हैवी रेन कल 18 को भी वहां पे मिल सकती है। और जो इंटेंस शावर है उसकी बिल्कुल संभावना है हिल्स में, मैं ये कहूँगा 17-18 दोनों दिन। 24-25 में थोड़ा सा दिख रहा है कि स्केटर्ड एक्टिविटी लाइट मॉडरेट की मिलेगी, लेकिन वो कोई विशेष वो भी नहीं दिखती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज और कल की एक्टिविटी के बाद जो मुख्यतः आप देखेंगे जो रेनफॉल एक्टिविटी, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। चारधाम यात्रा सुचारू है और लगभग सभी धामों में 4000 से अधिक लोग, 4000 से 5000 लोग जा रहे हैं। कल बद्रीनाथ जी का रास्ता एक दो जगह बंद हुआ था, कुछ दिक्कत हुई थी दो तीन घंटे के लिए, उसके बाद रास्ता खोल दिया गया है। वर्तमान में चारधाम यात्रा मार्ग पूरी तरह से खुला हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आज कुछ जनपदों में बरसात की संभावना है, बरसात बहुत ज़्यादा नहीं होगी चारधाम यात्रा मार्ग पर। आपको बता दें कि प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश के चलते जगह जगह सड़कें बाधित। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य भर में 200 से ज्यादा सड़कें इस समय बाधित चल रही हैं। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि ये आंकड़ा इससे भी अधिक है, सरकार असल आंकड़ों को छिपा रही है। कांग्रेस का कहना है कि धामी सरकार सिर्फ चुनावी तैयारियों में व्यस्त है, सरकार को जनहित से जुड़े मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। वहीं भाजपा कांग्रेस के इन आरोपों का खंडन करते हुए राज्य में सड़कों की स्थिति को बेहतर बता रही है। इस बीच आम लोगों ने भी बदहाल सड़कों से परेशान होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी के तहत रुड़की में जगह जगह सड़कों पर बने गड्ढों में भाजपा के झंडे लगाकर लोग नाराजगी जता रहे हैं। जब हम कल ये काम कर रहे थे, ये काम कल से इसलिए शुरू किया कि परसों रात एक बहुत बड़ा हादसा यहाँ हुआ कि एक कार कम से कम 12 फुट हवा में उछली और वो कई कलाबाजी खा के वहां जाके गिरी। वो तो अच्छा हुआ उधर से कोई नहीं आ रहा था और कार में जो थे लोग वो सुरक्षित रह गए, वो कार पूरी तरीके से डैमेज हो गई। जब हम कल ये लगा रहे थे तो हमने चारों तरफ ये अभियान शुरू करा
हम कह रहे हैं कि सदस्यता अभियान से अच्छा होता कि अगर भाजपा समस्या अभियान चलाती, लोगों की समस्याएं और जो धरातल पर जो समस्याएं हैं उनका निवारण करती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, केवल और केवल ये चीज हो रही है। दूसरा क्या है कि जब भी कोई काम होता है भाजपा, कोई भी सरकारी काम होता है, सरकारी तो सरकारी, इवन जो प्राइवेट काम भी होता है उस पे भी जो है लोग अपने झंडे लगा देते हैं, ये लोग ला करके कि भाई ये काम मोदी जी ने करा, ये काम मोदी जी ने, ये हमारी सरकार की उपलब्धि। तो भाई जी जब वो सारी इनकी सरकार की उपलब्धि है, तो जो एडीबी का जो प्रोजेक्ट था जिसमें कई जो 1400 करोड़ का रुड़की में आया था, उसके गड्ढे हैं ये भी उपलब्धि उन्हीं की है। इसलिए क्योंकि सरकार उनकी है, जिम्मेदारी उनकी, यहाँ से कई बड़े नेताओं के घर है। 450 सड़कें बन रही, 450 सरकार कम बता रही है, 450 सड़कें, राष्ट्रीय राजमार्ग भी है उसमें, राज्य राजमार्ग भी है, संपर्क मार्ग भी है, पूरे प्रदेश के अंदर जो आपदा में इस समय तबाही हुई है, प्रदेश की सरकार जिस प्रकार से उपेक्षा कर रही है पूरे आपदा प्रभावित क्षेत्रों का, चीफ मिनिस्टर से लेकर के मंत्रीगण जो है दौरों में है, चुनाव में लगे हुए हैं, हरियाणा के चुनाव की, किसी को जम्मू कश्मीर के चुनाव की, सब लोगों को चुनाव की चिंता है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे जीते अपने प्रदेश में, चाहे कुछ हो जाए, 47 विधायक जिता करके दूसरी बार लगातार रिवाज तोड़ते हुए यहाँ पर बीजेपी की सरकार बनाई लोगों ने, तीन बार लगातार पार्लियामेंट के चुनाव में हैट्रिक मार करके 5-5 लोकसभा की सीटें जिता करके ये नतीजा मिला कि पूरा ऋषिकेश से लेकर के बद्रीनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग, केदारनाथ तक राष्ट्रीय राजमार्ग, यमुनोत्री तक, गंगोत्री तक, चारों धाम की जो यात्रा थी वो तबाह हो गई। देखिए, सबसे पहले तो आप विपक्ष से, कांग्रेस से ये पूछेगा कि उन्होंने जो अपनी केदारनाथ बाबा की यात्रा जो उन्होंने कितने अच्छे तरीके से उन्होंने की, उन्होंने सड़कों पर बैठकर भी भंडारा करने का काम किया, वहां पर भी खाना खाने का काम किया, तब उनको ये याद नहीं आई कि सड़कें टूटी हुई है। लेकिन आज जब उनकी यात्रा बहुत अच्छे तरीके से, भव्य तरीके से पूर्ण हो चुकी, उनके नेताओं ने कहा कि अच्छी हमारी यात्रा हुई, तो आज उनको आपदा की याद आ रही है। आपदा में जितना बेहतर काम माने पुष्कर सिंह धामी जी ने किया है, अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से दिशा निर्देश देने का काम किया, स्वयं जाकर के उन कार्य क्षेत्रों को देखने का काम किया, और जो हमारी यात्रा चली वो इतनी भव्य तरीके से चली, लोगों को किसी तरीके की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल सरकार ने रखा। और मुझे लगता है कि आपदा प्रबंधन जिस तरीके से, क्योंकि बरसात में देखिए लैंडस्लाइड भी होती है, सड़कें भी टूटती हैं, खड्डे भी होते हैं, लेकिन उनको तुरंत दुरुस्त करने का काम सरकार कर रही है, और तमाम पूरे अधिकारियों को जो आदेश देने का काम पुष्कर सिंह धामी जी करते हैं और स्वयं जाकर के वहां पर मॉनिटरिंग करने का काम करते हैं, तो कांग्रेस को शायद ऐसा दिखाई नहीं देता। मैंने कहा ना कि कांग्रेस इस वक्त अपनी बौखलाहट में इतनी, आपस में जो उनकी द्वंद्वता चल रही है, जो वो फुटबॉल जो बॉल एक दूसरे के पाले में फेंकने का काम कर रहे हैं, पहले कांग्रेस अपने नेताओं के अस्तित्व बचाने का काम करे। कुल मिलाकर राज्य में बदहाल सड़कों पर विपक्ष के साथ ही आम जनता ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं एक तरफ जहां भाजपा सदस्यता अभियान चलाकर प्रदेश भर में लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जनता भाजपा नेताओं का स्वागत सड़कों के गड्ढों में झंडे लगाकर कर रही है। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वह जल्द से जल्द बंद मार्गों को खोलने के साथ ही बदहाल सड़कों को दुरुस्त करे। देखना होगा कब तक सरकार इस दिशा में कार्य करती है। बीते दो दिनों से बारिश के बाद बद्रीनाथ हाईवे चटरी ऑफ पीपल के समय पे बाधित हो रहे हैं, उसके बाद घंटों यहाँ पे जाम लग रहा है, और जो तीर्थयात्री बद्रीनाथ जाने वाले हैं उनको खासी दिक्कतों का यहाँ पे सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और पुलिस की टीम उनको खाद्यान्न भी यहाँ पे और पेयजल की भी व्यवस्था कर रही है। के न्यूज के लिए चटरी ऑफ पीपल चमोली से अनिल राणा। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत कि आखिर क्यों सड़कों की ये स्थिति है और क्यों आखिर सत्ता पक्ष के लोग इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि विपक्ष इस मुद्दे को लगातार पिछले लंबे वक्त से उठाया जा रहा है, और अब तो सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को साझा करके भी इससे आम जनता को भी अवगत कराने का काम विपक्ष कर रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ में राजेश्वर पैनेलू जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से, शेषपाल सिंह बिश जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से, और शांति प्रसाद भट्ट जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता यूकेटी की ओर से, समाजसेवी दीपक लाखवान जी हैं। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। राजेश्वर जी, सबसे पहले सवाल आपसे है कि आखिर देवभूमि में समस्या का समाधान कौन करेगा? लगातार सड़कें जो हैं वो बदहाल अवस्था में हैं, आज से नहीं, जब से आपने स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही उसके बाद से स्थिति और बद से बदतर होती चली गई, और
क्या मतलब है, विपक्ष अगर इस मुद्दे को उठा रहा है तो कम से कम कुछ चीजों को तो पॉजिटिव लेना चाहिए ना। आप कह रहे हैं कि ये भी राजनीति है, अगर वो सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को साझा कर रहे हो और आपसे पूछ रहे हैं इनके लिए सवाल, तो गलत क्या कर रहे हैं? जब ऐसी स्थिति है तभी तो पूछा जा रहा है, कौन इनका जिम्मेदार है? देखिए, दो चीजें हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, विपक्ष के नेता अपना काम कर रहे हैं, हाँ। इसमें हमें कोई इतराज नहीं, आगाह कर रहे हैं उसमें भी कोई, लेकिन वो सिलेक्टेड पिक्चर्स, सिलेक्टेड एरिया के कुछ सिलेक्टेड उसके हिसाब से कर रहे हैं, न कि वो इन जनरल बात कर रहे हैं, न ये बता पा रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पर सरकार जो जिस ढंग की आपदा है, जिस ढंग का लगातार मौसम चल रहा है, उसमें सरकार कितनी एक्टिव है, सरकार कितनी जल्दी उन चीजों को एड्रेस कर रही है, चाहे वर्चुअल मीटिंग लेना हो, चाहे धामी जी को वहां जाकर के आपदा केंद्र में जाकर के बैठना पड़े, चाहे अधिकारियों से बात करनी पड़े, चाहे 24 घंटे अलर्ट मोड रखना पड़े। और अभी तो मैं आपके संवाददाता की बात सुन रहा था कि बद्रीनाथ केदारनाथ में जब भी रास्ते बंद हो रहे इमीडिएटली खोल भी रहे हैं, साथ साथ पुलिस और प्रशासन जो वहां उनके जो असुविधाएं हो रही है उनको भी हाथ के हाथ सुविधाएं प्रदान कर रहा है, और उनको चाहे खाने पीने की समस्या हो तो कर रहा है। तो जो सरकार के से किया जा सकता है और जितना इफेक्टिव किया जा सकता है उससे ज्यादा इफेक्टिव सरकार करने की कोशिश कर रही है, और लगातार इस चीज से चिंतित भी है कि जो सड़क के गड्ढे हैं वो जल्दी से जल्दी भरे जा सके। लेकिन आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं कि जो तारकोल की सड़कें होती है जहां थोड़ा सा भी पानी जमा हो जाता है इमीडिएटली उसमें गड्ढे हो जाते हैं, और लगातार होती हुई बारिश के बीच में काम करना किसी भी तंत्र के लिए कितना मुश्किल होता है। इन सब परेशानियों के बावजूद लगातार काम किया जा रहा है, 24 घंटे सरकारी अफसरों को अलर्ट मोड में रखा जा रहा है, चाहे वो PWD के हों, चाहे SDRF के जवान हों, सबके सब काम करने में भी लगे और उनको एड्रेस करके भी प्रॉपर लाने के उसमें है। जो कांग्रेस पार्टी है वो अपने अंदरूनी झगड़े को हटाने के लिए कभी हरीश रावत जी को भी, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं से उनको उतनी सम्मान या अपेक्षाएं वहां से जो पार्टी के अंदर से नहीं मिल रही है, तो वो भी कहीं ना कहीं आते रहते हैं, कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर कहीं जगह की फोटो खींच के भेज देते हैं, वो ये भी नहीं पता चलता कि जगह कहाँ कहाँ की है, किस जगह पर ऐसा है। लेकिन चलिए, एनीवे कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो सरकार को आगाह कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं, और जो सरकार के पास जानकारी आ रही है सरकार उस पर एक्ट अपॉन तत्काल कर रही है, और जितना संभव जितना प्रैक्टिकल है वो भी कर रही है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार खुद चाहे कहीं पर भी हैं वर्चुअली उसको देख रहे हैं। अब आज की डेट में वो जमाना नहीं है कि आपको हर जगह फिजिकली मौजूद होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन आप वो एक अलग चीज है, फिजिकली मौजूद होना ये मुद्दा अलग है कि उनके प्रचार प्रसार को लेकर भी जो कांग्रेस है वो इसको भी घेर रही है। लेकिन फिलहाल सड़कों की व्यवस्था कोई आज की नहीं हो और ये बहुत पुरानी व्यवस्था और जस की तस है, ये बड़ी बात है। शेषपाल सिंह बिजजी हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। शेषपाल जी, मैं आपसे विस्तार से जवाब चाहती हूँ और चाहती हूँ कि आप ये बताएं जो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है उसका मकसद क्या है, क्योंकि राजनीति अलग चीज होती है, कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये विकास से जुड़ी बात है। सड़कों की स्थिति बदहाल है, हादसे होंगे तो सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के कोई देख कर नहीं होते, हम सभी शिकार हो सकते हैं इन हादसों का। जो सड़कें जिस तरीके की स्थिति है हमारी स्क्रीन पर भी चल रही हैं, क्या वजह है, कौन जिम्मेदार है, क्या किसकी लापरवाही है जो ये हालात जस के तस हैं और सालों से ऐसे ही हैं? अनम्यूट कीजिए पहले तो। देखिए गरिमा जी, प्रदेश की जनता को आपदा से कितनी परेशानी हो रही है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। आए दिन अखबारों की सुर्खियां जो है बन रही है कि यहाँ आपदा से ये परेशानी है, वहां वो परेशानी है, और दो दिन पहले आपदा प्रबंधन विभाग ने स्वयं आंकड़े जारी करे, उन्होंने स्वयं माना कि 435 सड़कें आपदा से प्रभावित हैं और 60 मुख्य मार्ग आपदा से प्रभावित हैं। लेकिन जो मेरी जानकारी में है प्रदेश की 750 से ज्यादा सड़कें आपदा ग्रस्त है, आम जनजीवन पूरी तरह त्रस्त है, बीमार जो है अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे हैं, बच्चे समय से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, जगह जगह सैलानी फंसे हुए हैं, श्रद्धालु फंसे हुए हैं, आम जनमानस को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, रोजमर्रा के काम भी लोग नहीं निपटा पा रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कतें हैं, और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। भले ही ये जितने बड़े दावे कर दें कि धरातल पर स्थितियां संभाल रहे हैं, लेकिन संभल नहीं रहे हैं, दो दो ढाई ढाई महीने हो गए हैं सड़कें ये नहीं खोल पाए हैं। और मैं स्वयं केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा से लौटा हूं और केदारनाथ पूरा मार्ग जगह जगह से बाधित था, वापसी में किसी तरीके से हम सोनफरिया के आपदा ग्रस्त इलाके से निकले तो बाद में रामपुर में फंस गए दो घंटे के जाम में,
शाम के समय, तो ये स्थितियां हैं। दो दो घंटे के जाम अगर लग रहे हैं वहां पर गुप्तकाशी के बाद में, तो क्या स्थितियां होंगी? आप जो है बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि सारी स्थितियां ठीक है, उसके बाद किसी तरह वहां से निकले तो जो है कुंड में स्थितियां खराब थी, वहां से निकले तो आप यकीन नहीं होगा रुद्रप्रयाग पहुंचते पहुंचते चार जगह कम से कम हम जो है आप जो फंसे रहे जाम में, उसके बाद तीन धारा में जो है मार्ग बाधित था, तो सारी स्थितियां खराब है। और ये कहीं नहीं है कि समय लग रहा है, जेसीबी होनी चाहिए प्रॉपर जगह पर, व्यवस्था होनी चाहिए, आपदा प्रबंधन की टीम खड़ी होनी चाहिए, क्योंकि देश विदेश से जो है श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए आते हैं, हमारे जो है स्थानीय लोग वहां पर फंस रहे हैं, और आपको पता है सबको एलर्जी होती है, कोई बीमार है, किसी को जो है गर्भवती को अस्पताल पहुंचा रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी लोग फंस रहे हैं, और दूर दराज के इलाकों में तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब है गरिमा जी। सरकार भले ही वास्तविक चीजों को ना माने, लेकिन अंदर खाने वो भी जानते हैं कि हालात ठीक नहीं है, और ये स्थितियां तब है जब आपदा के समय से पहले हमने सरकार को चेताने और जगाने का काम किया था। हमने कहा कि पिछले वर्षों के जो खराब अनुभव है उससे सरकार को सबक सीखना चाहिए और व्यवस्था चाक चौबंद करनी चाहिए। तब जो है सरकार की ओर से जवाब आता है कि विपक्ष को केवल आरोप लगाने के लिए आरोप लगा रहा है, विपक्ष का काम है सरकार की आलोचना करना, लेकिन अब जब जो है स्थितियां सरकार के नियंत्रण से बाहर है, तब बयानबाजी हो रही है कि जो है दो दिन में पूरी सड़कें ठीक कर दी जाएंगी। भाई ढाई ढाई महीने से आप सड़कों को नहीं खोल पाए, दो दिन में कौन सा आपके पास जादू की छड़ी कि आप जो है सड़कों को दुरुस्त कर देंगे? आपदा प्रभावित लोगों के हालात ये है कि गांव के गांव खतरे की जद में है, और हम पहले से कह रहे थे कि विकास के नाम पर जो अंधाधुंध कटिंग आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार का एक सटीक मानना था कि प्रदेश में विकास होना चाहिए, लेकिन उसके लिए मैक्सिमम कटिंग नहीं, मिनिमम कटिंग और मैक्सिमम प्रोटेक्शन के फार्मूले पे हमें चलना चाहिए, लेकिन ये मैक्सिमम कटिंग के फार्मूले पे चल रहे हैं। जगह जगह से आपने जो है सड़कें खोल दी है, लेकिन प्रोटेक्शन के काम आपने नहीं किए, और उसका असर ये हो रहा है कि गांव के गांव उसकी जद में है, राष्ट्रीय राजमार्ग उसकी जद में है, और जो ऑन वेदर है वो ऑन भाई क्या मांगी है उसमें, मानसून का वेदर आता है कि नहीं आता, ये भी सरकार को देखना चाहिए, और मानसून से कितनी चारधाम यात्रा प्रभावित हुई है ये किसी से छुपी भी नहीं है, सरकार की तैयारियों में भी तमाम कमियां रही है। तो विपक्ष की जो आलोचना है, विपक्ष का जो आयोजन है, अगर सरकार उसको सकारात्मक रूप से ले, अपनी कमियों को सुधारे, तो भाई लाभ सरकार को होगा, जनमानस को भी होगा, लेकिन सरकार सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। आपकी अगर ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, आप ही के मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे, मुख्यमंत्री जी कोई पहली बार समीक्षा बैठक नहीं कर रहे, गरिमा जी दो साल में आपने देखा होगा कितनी बार उन्होंने समीक्षा बैठकें कर दी, उन्होंने कितनी बार सड़कों के गड्ढे भरने की बात की, लेकिन आज तक सड़कों के गड्ढे नहीं भरे, मजबूरी में हमारे कार्यकर्ताओं को आयन दिखाना पड़ रहा है, सड़कों में जो है भाजपा की झंडी लगा करके कह रहे हैं कि ये सड़कें आपने हमें दी है, ये आपका आपदा प्रबंधन है। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में सुन रहा था कि एक पीड़ित बता रहे थे कि गाड़ी इतनी ऊंची उछल गई, इतनी कला भाजिया उसने खाई, मैदान की हालत है, तो पर्वतीय क्षेत्रों की हालत क्या होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और राजधानी देहरादून की तस्वीर देखें, आप वार्डों में निकल जाइए, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, मुख्य मार्ग तो जो है समझ में नहीं आता, ये मेन मार्ग है कि यहाँ पर नदी बहती है, बाहर जाने जा किधर से रहे, हमें जाना कहाँ है। तो आप अगर राजधानी की स्थिति नहीं सुधार पाए 1650 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी के नाम पे खर्च करने के बाद, वो स्मार्ट सिटी जिसे ढूंढने में नहीं मिल रही है, केवल भाजपा के चश्मे से ये कह कि हाँ स्मार्ट सिटी बन करके तैयार हो गई हो, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है सरकार काम कर रही है गरिमा जी, किस तरीके से जो है जनता को झूठे शब्द मांग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन जनता का जो दुख दर्द है, आम जनमानस की जो परेशानी है, उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, और ये सारी की सारी लापरवाही आपदा प्रबंधन विभाग की है। पूरे देश की प्रदेश है जहां आपदा प्रबंधन विभाग है, तो वो विभाग किस लिए है? केवल बयानबाजी करने के लिए है। अगर आपदा की चुनौतियों से नहीं निपट सकते, उसके लिए
व्यापक परमिशन नहीं कर सकते, फिर ऐसे व्यवहार को तुरंत समाप्त कर दीजिए। क्यों देखता की छाती पर आपने बेवजह खर्च बनाने के लिए ये विभाग बनाए हुए हैं, तो किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है? गरिमा जी कहा है महंगाई, बिल्कुल देखिए जिम्मेदारियां सुनिश्चित होनी चाहिए और कम से कम जो लोग सत्ता में हैं उनकी जिम्मेदारी तो साफ तौर पर बनती है, क्योंकि आपने इन सारी बातों का हवाला दिया था और जनता को भरोसा दिलाया था कि इन सारी चीजों को दुरुस्त आप करेंगे, जो नहीं हो रही हैं। केंद्रीय प्रवक्ता शांति प्रसाद भट्टी हमारे साथ में है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, बहुत स्वागत सर आपका भी। शांति प्रसाद जी, लगातार हम चर्चा में बैठते हैं और इस तरीके के मुद्दे के न्यूज इंडिया ने कई बार उठाए हैं और एक बार फिर से जब सामने आया है, क्योंकि कांग्रेस विपक्ष इस मुद्दे को बेहद तेजी के साथ में उठा रहा है, आपको क्या लगता है राजनीति हो रही है, वाकई में किसी को फर्क पड़ता है सड़कों पर गड्ढे हैं? क्योंकि गड्ढे तो हैं, रिपोर्ट्स में हमने खुद दिखाए दर्शकों को, और आम जनता की जब आप जाएंगे उसके बीच में तो वो भी इस बात को नकारती नहीं है। देखिए गरिमा जी, अगर प्रदेश के हालात खराब नहीं होते तो आप इसको जन मुद्दा बनाकर डिबेट नहीं कर रहे। उत्तराखंड राज्य में मुख्यतः जो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और जिला पंचायत की रोड और ब्रांच रोड, ये चार प्रमुख ऐसी रोड सड़कें हैं जो जनमानस के को सुविधा के लिए बनाई गई है। अब आप देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री जी चुनाव जीतने के लिए वहां जम्मू कश्मीर में गए हुए हैं, राज्य की दुर्दशा आप दिखा रही हैं जनता को, सड़कों पे इतने गड्ढे हैं कि रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, आदमी मर रहे हैं। अभी हाल ही में एक नया डेवलपमेंट हो गया जो चटवा पीपल है, कर्णप्रयाग से 2-3 किलोमीटर आगे, वहां 24 घंटे से जाम लगा हुआ है। अब आप सोचिए, जब 24 घंटे जाम लगेगा तो क्या हम इस पर सवाल ना खड़े करें? मैं खुद वहां 8 घंटे फंसा रहा, मुझे गैरसैंण से जब मैं देहरादून के लिए आ रहा था, 8 घंटे का जाम, और पब्लिक का मनोबल इतना टूटा हुआ था कि वहां पर लठ से एक दूसरे के ऊपर वार कर रहे थे, चाकू चल गए, पुलिस का वहां कोई व्यवस्था नहीं, हम लोगों ने लड़ने वालों को छुड़ाया और लड़ाई केवल इस बात पे हो गई कि एक दिल्ली की गाड़ी थोड़ा सा आगे क्या चली गई, आदमियों ने आपस में इतना झगड़ा कर दिया कि इसने लाइन कैसे तोड़ दी। कहने का मतलब है, जनमानस इतने दबाव में यहाँ आ रहा है, जब आ रहा है आता यात्रा के लिए, मगर वो यहां से अपराध करके चला जा रहा है, झगड़े करके, कारण सड़कें टूट रही हैं। अब आप देख लीजिए, नेशनल हाईवे 250 से 300 जगह पर जो है रुके हुए टूटे हुए, डिस्ट्रिक्ट हाईवे का तो ये इतना बुरा हाल है कि 2.5 से 3 हजार जगहों पर चले जाइए, डिस्ट्रिक्ट हाईवे बिल्कुल ही कनेक्टिविटी नहीं है, और ब्रांच रोड तो साफ है बिल्कुल, कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे में जो सरकार विकास के दावे करती है उस सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होना स्वाभाविक है। गरिमा जी, ये जो ऊपर तोता घाटी तो टूटती टूटती थी, वो आपका रुद्रप्रयाग के पास एक जोन था बिल्कुल जो खिसकता था वहां पर खाखरा में, अब एक नया डेवलप हो गया है जो चटवा पीपल कर्णप्रयाग से 3 किलोमीटर पहले, और वहां पर 12-12, 14-14 घंटे का जो है जाम लग रहा है। अब ये बताइए, अब हम इसमें क्या कहें कि ये ऑल वेदर की वाई लूटने वाली भाजपा सरकार बताए ना कि कमीशन कितना खाया, क्यों सड़क टूट रही है, क्यों सड़कों में गड्ढे हैं। और खाली एक उत्तराखंड की स्थिति नहीं है कि हम कहें कि उत्तराखंड में बेईमानी है, यह व्यापारियों की पार्टी है, इनके मुंह में खून लग चुका है, इन्हें पता है कि जनता से जब हम वोट मांगने जाएंगे तो ना उस समय पर कोई टूटी हुई सड़कों की बात करेगा, ना भ्रष्टाचार की बात करेगा, घोटालों की बात करेगा, उस समय पर इनके पास बहुत बढ़िया तरीका है हिंदू मुस्लिम, और ये हिंदू मुस्लिम के जाल में फंसा के लोगों को जो है फिर चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी तरीके से बात मान ली है कि चाहे सड़कें घोटाले में चली जाएं, चाहे नौकरियां बेच दें, मगर जब चुनाव के समय पर आएंगे तो अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, बड़े बड़े चैनलों के माध्यम से जनता को गुमराह करेंगे और हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करके पूरे उत्तराखंड से लेकर देश पर राज करेंगे। यही कारण है कि देश कर्ज की गर्त में डूब गया, नौकरियां खत्म हो गई, सड़कों पे गड्ढे, गड्ढों पे सड़कें। अब आप देख लीजिए, खाकरा के पास भाजपा पुल बना रही थी, वो पुल बनते बनते नीचे गिर गया, किसी भी ठेकेदार पे कार्रवाई नहीं होती। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलेबाज पार्टी है, घोटालेबाज पार्टी है, राष्ट्र के नाम पर बेईमानी करने वाली पार्टी है, घर घर चोर हर घर चोर की नीति पे काम करने वाली है, ऐसी पार्टी को
ये एहसास हो चुका है कि राज्य की सड़कें बेच दो, राज्य की नौकरियां बेच दो, राज्य के संसाधन बेच दो, मगर चुनाव के टाइम पर हिंदू मुस्लिम करके हम चुनाव जीत रहे हैं। इसीलिए ना तो इनको भय का डर है, या तो घोटालों का डर है कि जनता हमसे क्या सवाल पूछेगी, ना इनको इस बात की कोई लेना देना है कि राज्य की यदि दुर्दशा है तो आम जनमानस को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। बताइए, रुड़की में यदि आदमी सड़क खराब होने के कारण एक्सीडेंट हो रहा है और मर रहे हैं उसमें लोग, तो इसके लिए क्या मुकदमे दर्ज नहीं होने चाहिए इन भाजपा सरकारों पर? ये लोग चोर बाजारी करें और आम जनमानस इनकी सड़कों पर अपने प्राण खोए। मेरा कहने का मतलब है गरिमा जी, मुझे आप एक डिबेट दिखा दीजिए किसी भी चैनल की जिसमें इनकी वाई वाई हुई हो। सड़क बनाते हैं तो घोटाले, पुल बनाते हैं तो सड़क पर, और सबसे पहली बात तो रोड मैप भी पूरा तैयार नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी के नाम पर एक ही सड़क पर कितने बार तोड़फोड़ हुई है। दीपक जी, मैं आती हूँ इसके बाद आपके पास ही आती हूँ। व्यापारी लोग हैं और लूटना आता है, पैसा कमाना इनका खून में है, और जनता लूट रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर। और जिस दिन जनता की को समझ आएगी कि यह भाजपा लुटेरों की पार्टी है, तब तक उनकी दो पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी होंगी, जो घर में 40-40 साल के बच्चे हो गए, बीटेक एमटेक डॉक्टरेट करने के बाद बेरोजगार है, नौकरियां नहीं लग रही, और भाजपा घर घर शराब बांट रही है। चलिए, जब शराब मांगने पकड़ा जाता है तो भाजपा उसकी पैर भी करती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। शांति प्रसाद जी, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और विस्तार से बातचीत करेंगे, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में वापस लौटते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, समाजसेवी दीपक लाखवान जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, आप कुछ कह भी रहे थे, और दूसरा ये कि देखिए, हम देख रहे हैं कि इस तरीके से जैसे चल रहा है वैसे ही सालों से चल रहा है, और रोडमैप न होने से भी बड़ी दिक्कतें होती हैं। विकास के नाम पर बड़े बड़े काम तो हो रहे हैं, लेकिन सड़कों की जो व्यवस्था बिगड़ी है, ये कहीं ना कहीं प्लान ठीक नहीं था, इसकी वजह से भी बहुत बिगड़ी है। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि एक जगह पर पहले मरम्मत होती है, फिर उसी सड़क पर तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, फिर मरम्मत होती है, तो ये वजह है कि कई सारे हादसे हो जाते हैं, सड़कें कभी ठीक हो ही नहीं पाई। मैं कहना चाहूंगा आप गरिमा जी कि एक तो कहावत है, चोर चोर मुसेरे भाड़ी, कि चाहे पार्टी कांग्रेस हो भाजपा, दोनों के कार्यकाल की बात कर देता हूँ, सड़कों की हालत दोनों बार खराब रही। जहां सड़कों में गड्ढे होते हैं लोग चोटिल हो रहे हैं। अगर नेताओं से, इनके नेता और कार्यकर्ता तो कहते हैं कि जितनी बार गड्ढे होंगे अच्छा उतनी बार सड़कें बनाई जाएंगी, ताकि उतनी बार कमीशन आए। दूसरी बात, इनके एक नए विधायक कहते हैं कि अगर सड़क में कोई व्यक्ति चोटिल हो रहा है तो उसके लिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड दिया है। बताइए कितनी शर्म की बात है कि एक विधायक ये कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड दे रखा है, अगर किसी को चोट लग रही है तो उससे जाकर अपना इलाज कराइए। ये एक बार ढंग से सड़क नहीं बनाते क्योंकि इन्हें बार बार कमीशन चाहिए होता है। ऐसी ऐसी जगह गड्ढे हो रहे हैं, कारें पलट रही हैं, लोग चोटिल हो रहे हैं, बुरी तरीके से जख्मी हो रहे हैं, घर के लोग जो है अस्पताल में पड़े हैं लोगों के, लेकिन इन्हें किसी बात से कोई साहूकार नहीं। ये केवल सदस्यता अभियान चलाते, समस्या अभियान नहीं चलाते। अगर एक बार में ही केवल और केवल ये कंडीशन रख दी जाए कि विधायक निधि से जो सड़कें बनेंगी या सांसद निधि से जो सड़कें बनेंगी उनकी एक एज रख दी जाए, समय सीमा निर्धारित कर दी जाए कि अगर 5 साल से पहले खराब हुई तो ये इन्हीं की विधायक निधियों से या इनके उससे रिकवर किया जाएगा, पैसा ठेकेदार के उससे रिकवर किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ उसके बाद जरूरत नहीं पड़ने की किसी को भी शिकायत लेने की, क्योंकि इन्हीं के ही ठेकेदार हैं, इन्हीं लोगों के ही सब कुछ है, यही लोग अपने हिसाब से ठेके देते हैं। अभी एक रुड़की में 93 लाख रुपए का एक रपटा बना था नदी में, जो 9 दिन नहीं चला, 9 दिन में ही बह के चला गया। अब बताइएगा कैसे जनता के पैसे की बंदर बांट हो रही है, किसी को नहीं दिख रहा। जनता है बेचारी हिंदू मुसलमान में लगी पड़ी है, और ये लोग सारे के सारे मिलके कमाने में लगे पड़े हैं और देश को लूटने में लगे पड़े। मैं तो यही कहूंगा कि देश को लूटने में, जनता के पैसे को लूटने में लगे पड़े हैं। ये सड़कें धसती हैं, किसी नेता का आज तक घर नहीं धसा, किसी कार्यकर्ता का घर नहीं धसा, किसी के घर पानी नहीं घुसा,
लेकिन सड़कों में गड्ढे हो जा रहे हैं क्योंकि ये वहां जितने पैसे की लागत की सड़क बनाते हैं, काश उसके 70% पैसा भी अगर जमीन पर लगा दें तो मेरे ख्याल से 7 साल तक सड़क कहीं मार नहीं खाएगी। लेकिन ये लोग पैसा ही पैसा, सिर्फ पैसे की बंदरबांट चल रही है और इससे ज्यादा कुछ नहीं चल रहा जो हमें लग रहा है रुड़की शहर में। ठीक, क्योंकि उसी सड़क पे उसी उन्हीं गड्ढों से वहां के बड़े बड़े नेता गुजरते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में विधायक का भी वहीं पे आसपास ही जो है। बिल्कुल ठीक है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका सबको जानकारी, लेकिन जब इन्हें पता इनकी समझ में आ चुका नेताओं की कि भाई जितनी बार बनेगी उतनी बार कमीशन आएगा, तो मैडम ये अच्छा काम क्यों करेंगे, क्यों करवाएंगे? आप गारंटी लीजिएगा इनसे सड़कों की कि कितने साल तक चलेगी सड़क, अदरवाइज इनकी उससे रिकवर करो, इनकी संपत्ति बेच करके देखो अपने आप 6 की जगह 7 साल 10 साल चलेगी सड़क। हमारे यहाँ की गलियां ऐसी है, सड़कें ऐसी है मोहल्ले की कि जो यमराज का अड्डा बनी हुई है, मतलब रोज एक्सीडेंट होते हैं। गड्ढा बचाने जवाब ले लेते हैं, एक आप जवाब ले लेते हैं राजेश्वर जी से। ठीक है दीपक जी, जवाब लेते हैं। हमारे साथ में राजेश्वर पेनली जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। राजेश्वर जी, यमराज का अड्डा बन गई है सड़के, बताइए आपके प्रदेश की जनता, प्रदेश के लोग ये कह रहे हैं। दीपक लाखवान जी ने ये बात कही है, समाज सेवी है, किसी राजनीतिक दल से नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि सिर्फ राजनीति चल रही है। दीपक लाखवान जी ने बड़ी अच्छी बातें करी और बड़े सेंसिबल होकर के बातें करी, लेकिन शायद उन्हें कुछ चीजों का नहीं पता है, बेसिक चीजें समझने की। जब भी कोई नई रोड बनती है तो उसको सेटलमेंट टाइम लगता है, कोई एक रोड किसी एक दिन में या दो साल में सेटल नहीं होती, तो सेटलमेंट का हमेशा टाइम लगता है। जो आप बार बार कहते हैं कि इतनी जल्दी क्यों रोड टूटती, तो आप पहली बात समझने की कोशिश कीजिए कि सेटलमेंट टाइम है। दूसरी बात पे आप आ जाइए, जितनी भी रोड है, चाहे जितनी भी जो नेशनल हाईवे की रोडें बनती हैं उनमें जो भी ठेकेदार बनाता है उसके पास ऑलरेडी सुन लीजिए पूरी बात, एक साथ बोलते हैं तो फिर आवाज नहीं आती है दीपक जी, और उनको अगले 5 साल तक के लिए उसकी उसकी जो है मेंटेनेंस से लेके वारंटी गारंटी उसके पास जाती है, उतने ही उसकी सिक्योरिटी उसकी डिपॉजिट होती है। ऐसी जो रूरल रोड बनती है उनमें भी वही कंडीशंस होती हैं। मुझे बहुत अधिक जानकारी नहीं कि म्यूनिसिपल कमेटी क्या कर रही है, लेकिन ये जो जो बातें कह रहे हैं कि आगे की मेंटेनेंस और उसके जो जिम्मेदारियां, वो कहीं ना कहीं आज की डेट में उन ठेकेदारों पे या उन एजेंसियों पे पास ऑन की जाती हैं कि इस साल की बनाने के बाद इतने साल तक की मेंटेनेंस और उस पर कोई भी दिक्कत आएगी तो उसकी जिम्मेदारियां उन रोडों की उसकी होती है। तो वो जहां तक उनकी बात है, अब हम एक बार बात कर लेते हैं हमारे आदरणीय केंद्रीय प्रवक्ता जी भट्ट जी बात करें, इनकी बहुत सी बातें सुनने बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन ये कई बार लगता है मुझे कि फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि इनके वोट शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं, नीचे आते जा रहे हैं, तो अपने आप को नहीं बचा पा रहे, तो दूसरी पार्टियों वजह से नहीं होता है कि ठीक है, मतलब राजनीतिक दलों पर आप भी आ गए, राजनीतिक दलों पर ही आप भी आ गए, बार बार बोलते रहते हैं, तो जो वो बार बार जो शिफ्टिंग ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी करते हैं मुझे लगता है उन्हीं। तीसरी बात हम करें कि जब आप जब भी इतनी ज्यादा बारिश, आपकी अनएक्सपेक्टेड चीजें होंगी, आपकी नेचुरल क्लाइमेटीज होगी, तो उसमें आप जरूरी नहीं है कि आप सारी चीजों का प्रिएम्प्ट कर सकें। एसडीआरएफ की या किसी भी फोर्स की एक लिमिट होती है, जैसे आप मान लीजिए आपके यहाँ डिबेट होती है, डिबेट करने की आपके यहाँ एक लिमिट बनी होगी कि आप 2 डिबेट करा सकते हैं 3 डिबेट करा सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके 5 डिबेट करानी पड़े, तो आपकी लिमिट उतनी नहीं, क्योंकि आपके पास उतनी वर्कफोर्स उतनी चीजें नहीं होती है, लेकिन आप जितनी वर्कफोर्स है उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो हमारी जो वर्कफोर्स है, जो सरकार के पास सत्ता के पास जो वर्कफोर्स है उनको प्रॉपर यूटिलाइज करते हैं। तीसरी जो इनको बार बार दिक्कत आ रही है कि सदस्य अभियान चला रहे हैं, इन्हें उससे ज्यादा दिक्कत है कि रोड से ज्यादा दिक्कत है, पहले उस पर आप ध्यान दीजिए, आप दूसरों पे इस पर टिप्पणी करिए कि एक पॉलिटिकल पार्टी अपना काम कर रही है, सत्ता अपना काम कर रही है, सत्ता का काम है रोड करना, न कि पॉलिटिकल पार्टी का काम है। पॉलिटिकल पार्टी का काम सत्ता को लगातार आगाह करना होता है, सत्ता के साथ जो उनको सहायता चाहिए होती है वो देना होता है, उन चीजों के लिए काम करती है। तो जो सदस्यता अभियान है आप उसको उसके साथ न जोड़ के देख सकते हैं न उसके साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं, वो अपनी जगह है और सत्ता अपनी जगह है। सत्ता आपके पास इफेक्टिवली चल रही है कि नहीं चल रही, सत्ता जितने रिसोर्सेज है, सुन लीजिए आप बात, सुन तो सत्ता जितने रिसोर्सेज है और जितने उसको जितने इफेक्टिवली कर। अब तीसरी बात आप कहते हैं कि रोडे वही रोडे बार बार तोड़ करके बनाई जाती हैं, ऐसा नहीं होता है कि वही रोडे बार बार, आप अभी समझिए आज 6 मीटर, सुन लो पूरी बात, आज 6 मीटर की रोड है,
हमें समझ में आता है कि 6 मीटर की रोड को 9 मीटर करना है, तो 9 मीटर करने के लिए जो नीचे सिविर लाइन होगी, जो चीजें होंगी, उनको भी शिफ्टिंग करना पड़ेगा। सब चीजें टेक्निकली समझने की कोशिश करिए, आप सिर्फ ऊपर से सुपरफिशियल बात करते हैं। क्यों कांग्रेस और बीजेपी दोनों क्यों नहीं कर पाती थी, आपने खुद ने बोला कि नहीं कर पाती। जब आप सत्ता में आते हैं तो आपको समझ में आता है कि हम सुपरफिशियल बात बाहर बैठ के बड़े आराम से कर सकते हैं। ये बड़े आराम से कर सकते हैं कि किसी नेता का मकान नहीं गिरता, बहुत से नेताओं के मकान गिरोंगे, और मैं नहीं कहना चाहता कि कितने नेताओं के मकान गिरोंगे, क्योंकि जो जद में आएगा उस प्राकृतिक आपदा में आएगा। प्राकृतिक आपदा ना आपका घर छोड़ती है, न सत्ता का घर छोड़ती है, न विपक्ष का घर छोड़ती है। तो सत्ता प्राकृतिक आपदा, भगवान जो है सबके साथ सेम व्यवहार करता है, वो चूज करके व्यवहार नहीं करता। अब आप कोई और क्वेश्चन आपका बाकी रहेगा जो मैं आपका जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप मेरे से वापस पूछ सकते हैं। देखिएगा मैं बता देता हूँ, आप सड़कों की बात कर रहे हैं, आप पहाड़ की बात कर रहे हैं, मैं रुड़की शहर की पुरानी सड़कों की ही बात कर रहा हूँ, पहली बात सर। दूसरी बात, आप जितने ठेके देते हैं, जिन ठेकेदारों को देते हैं, क्या वो इंजीनियर्स हैं? ठेकेदारों को इंजीनियर होना कहीं जरूरी नहीं है, जैसे किसी नेता का होना आईएएस होना जरूरी नहीं है। आप समझे, ठेकेदार ठेके पर मैनेजमेंट करता है, इंजीनियर उसके असिस्टेंट होते हैं, उसका काम करने वाले होंगे जो परफॉर्म करेंगे। सर ठेकेदार को इंजीनियर होना का ये कहां से, आपसे किसने कहीं कौन से नई थ्योरी आप लेकर के आ गए कि ठेकेदार का इंजीनियर होना जरूरी है? ये कहां की थ्योरी आ गई आपकी? नहीं, ये कौन सी चीज आपने बता दी? इसका मतलब आप बोलना चाहते हो कि जो टाटा जितनी स्टील फैक्ट्री लगाता, टाटा खुद इंजीनियर है? अरे कहां की बात करते हो? चलिए ठीक है, आपस में बहस मत कीजिए, ठीक है? एक एक करके देखें, एक एक करके बोलेंगे तो सबकी आवाज स्पष्ट आएगी, और बाकी के मेहमान भी हमारे साथ में, उनको भी सुन लेते हैं। लेकिन राजेश्वर जी, आपने जो तर्क दिए वो पूरे नहीं बैठते, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी ही, आप जब चुनावों में निकलते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, तब तो आप कहते हैं कि हम सड़कों की जो व्यवस्था है वो बेहतर करेंगे, कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएंगे। कनेक्टिविटी का मतलब ये थोड़ी होता है कि ऑल वेदर रोड बेहतर कर दी जाए, आम सड़कें भी मैटर करती है ना, क्या उन सड़कों से राहगीर नहीं गुजरते? ये जो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर चल रही है, आपको दिखाई नहीं पड़ती क्या? तो इन तस्वीरों को भी तो ध्यान में रखिए ना। कनेक्टिविटी का मतलब सिर्फ हाईवेज बना देना नहीं होता है, शहरों की जो सड़कें होती हैं उन पर ध्यान देना भी अहम होता है। बेहतर का ही मतलब होता है कि पहले हम 60% नंबर लाते थे, वो 80% नंबर लाते हैं सर, लेकिन वो तस्वीरों में नहीं नजर आ रहा है, इसलिए हम आपको टोक रहे हैं, इसलिए हमने आज इतनी चर्चा बिठाई है। चलिए ठीक है, ठीक है राजेश्वर जी, अब सुन लेते हैं। शेषपाल जी के पास में एक बार फिर से जाएंगे। शेषपाल जी, ये 60% वाले 80% तक पहुंचे क्या? वो कह रहे हैं पहले हम 60% लाते थे, अब 80% आने लगे हैं। क्या तस्वीरें फिलहाल 80% तक वाली लग रही हैं? हाँ, देखिए गरिमा जी, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ भी दावा कर सकती है, 60-80% तो नहीं है, तो 120% के। अभी भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि साहब किसी भी सड़क को बनाने के बाद साल दो साल लगते हैं उसको सेटल होने में, साल दो साल तो जनाब थोड़ी है, 6 महीने पहले आपकी सरकार ने दावा किया है कि प्रदेश की सड़कों में कहीं भी गड्ढे नहीं है, सब के सब भर दिए गए हैं, सारी सड़कें चमका दी गई है। और जब भी यहाँ पर BIP दौर हुई है, हमने गृह मंत्री का दौरा देखा, हमने प्रधानमंत्री का दौरा देखा, हमने जो है राष्ट्रपति महोदय का दौरा देखा, देहरादून की सड़कें वाकई चमका दी गई थी, जहां जहां से VIP रोड था, आज उन सड़कों की हालत देख लीजिए आप, 3 महीने बाद क्या है। तो जनता से पूछिए, वहां से पैदल नहीं निकल सकते, गाड़ी से निकलना तो दूर की बात है, तो कहां 2 साल की और 4 साल की गारंटी की बात करेंगे? कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पे है, और ये बात तो इसी सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कैमरे के सामने कही, ऐसा कोई विभाग नहीं जहां 20% 40% कमीशन के बिना काम हो रहा हो, भ्रष्टाचार को चरम पे है गरिमा जी, इसे नकार नहीं सकते। और वास्तव में फिर गुणवत्ता पर काम क्या होता तो 2-3 महीने बाद सड़कों की हालत ये नहीं होती, आम जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़ती, जगह जगह एक्सीडेंट ना होता, लोगों की अपनी जाने में गवानी पड़ती होती, तो सरकार आखिर कब जवाबदेही तय करेगी? मैं यही बात तो बार बार कह रहा हूँ, अगर अधिकारी आपके निर्देशों का खुला उल्लंघन कर रहे थे, ऐसे नाकाम अधिकारियों पर, ऐसी जिम्मेदार निर्माण एजेंसियों पर क्या काम करेगी सरकार को? आंकड़ा भी जनता के सम्मुख रखना चाहिए। और एक बात नहीं, यहाँ पर सैकड़ों उदाहरण है, आपको मैं जो है अभी हमारे भाई शांति भट्टी जी का ठाकरे के एक पुल जो सिग्नेचर पुल की सिग्नेचर ब्रिज की 2 करोड़ क्षतिग्रस्त हो गया है, वहां पर लोगों की जान की है, आज इस जिम्मेदार अधिकारी पे काम जिम्मेदार निर्माण किसी पे काम हमारे तो देखने पे। और चमोली जिले में पिछले ही साल आपको याद होगा
जो एसटीपी टनल बना था वहां पर 16 लोगों की जान गई थी करंट जाने से, इस जिम्मेदार आज तक देखने में नहीं आए। तो अगर आप सरकार के सामने रखे गए, जो वहां पर निगम एजेंसी थी वो पहले भी जो है दोषी थी, उस पर मुकदमा दर्ज था, तक आपने कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तारी देखने में नहीं आई। तो इससे ही भ्रष्ट कंपनियों के, इन भ्रष्ट निर्माण एजेंसियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और उनको जो प्रश्रय देने वाले अधिकारी हैं वो किसके इशारे पर उनको संरक्षण दे रहे, ये भी जनता के सामने साफ होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये पूरा फोकस ब्यूरोक्रेसी का और जो है अधिकारी मंत्रियों का सिर्फ बना हुआ है, इसके ही कारण जो है ये सारी स्थितियां हो रही है। तो जब तक इस पे चोट नहीं होगी, मुख्यमंत्री जी को इस प्रदेश की चिंता होगी, मैं नकार नहीं सकता, क्योंकि जनता जनार्दन ने उनको प्रदेश की सत्ता पर बिठाया है। अगर उनके मंसूबों पर कोई पलीता बनता है, अगर कोई जो है जनता की जान के साथ जनता की सुविधा के साथ खिलवाड़ करे, तो ऐसे नाकाम लोगों पर ऐसे नाकाम अधिकारियों और निर्माण स्थिति में काम क्यों नहीं होती, ये जनता से हिम्मत चाहती है और इस प्रदेश की जनता पढ़ी लिखी जनता है। निर्माण जी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को जो सरकारी संरक्षण है उसी के कारण ये सारी स्थितियां पैदा हो रही है और ये स्थितियां मुझे नहीं मिल सकती है। ये तो सबसे बड़ी चिंता की बात है। अरे हर तीसरे महीने में, हर छठे महीने आप देखिए कि लगातार ये चीजें जो है देखने में आती है, जो सड़कें हैं बिल्कुल परिचोर हो गए, फिर उसके जो है पेट उधर कहीं की दिक्कतें हैं, नियंत्रण से बाहर जो है जो स्थितियां जा रही है, तो इसकी जवाबदेही निश्चित तौर पर डबल इंजन सरकार की है। प्रदेश की सत्ता में दोबारा है तो वो डबल इंजन कहीं नजर आना चाहिए ना, तो वो डबल इंजन कहीं नजर नहीं आ रहा है। और तो कह रहे कि हमारे पास जितने संसार जितने फोर्स है हम उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो भाई अगर आपके पास मैन फोर्स की कमी है, अगर आपके पास जो है संसाधनों की कमी है, फिर प्रदेश की जनता को आपने क्यों दिया, क्यों प्रदेश की जनता के पास आपने झूठी बात करके जो है जनमत हासिल किया है। तो ये चीजें हैं, ये कई जो सवाल है जो करके जनता के सामने प्रदेश के सामने आ रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिल रहा। और हमें हकीकत ये है कि आपदा से आपदा विभाग ही आपदाग्रस्त हो गया है, सरकार आपदाग्रस्त है, जनता की जो छोड़े जनता का दुख दर्द तो कोई सुनने वाला नहीं है और इस प्रदेश के हालात नियंत्रण से बाहर है, भले ही सरकार कितने बड़े दावे कर ले। मैदानी क्षेत्रों की स्थिति आपके सामने हमारे भाई दीपक कह रहे हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में तो आप देखिए कितना दुर्गम हमारा इलाका है गरिमा जी, पहाड़ का जीवन तो पहाड़ जैसा है, और दूसरा इस भ्रष्टाचार ने आम जनमानस की कमर तोड़ के रख दिए है, इसमें कोई दो राय नहीं। कह रहे हैं आपके देखिए कमर तोड़कर आम जनता की रखी गई हो और आम जनता भी समस्या से परेशान है, पता नहीं राहत उसे कब मिलेगी। शांति प्रसाद भट्टी के पास में एक बार फिर से चल लेते हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं शांति प्रसाद जी। राजेश्वर जी कह रहे हैं हम 60-80% पर पहुंच गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि 60% स्थिति पहले भी थी और 80% तक पहुंचने वाली बात पर क्या कहना है आपका? दीपक जी इसके बाद आपके पास आती हूँ। भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि ये जितने घोटाले कर लें, इनको ये गलत फहमी है कि ये घोटाले चुनाव में मुद्दे नहीं बन रहे हैं, क्योंकि अखबार भी ये मैनेज कर ले रहे हैं और बड़े चैनलों को भी ये मैनेज कर ले रहे हैं, मगर आम जनमानस के यदि आप मुंह से सुनेंगे तो वो अब त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे हैं। वो भाजपा के समर्थक ही क्यों ना हो, वो भी कह रहे हैं कि इन्होंने तो हद मचा दी। मतलब किसी एक फील्ड में तो ऐसा हो जहां जनता को ये महसूस हो कि ये सरकार हमारी है और हमारे विकास के लिए काम कर रही है। हाँ इतना जरूर है कि नफरत की दुकान इतनी बढ़िया बना दी इन्होंने कि अब आम आदमी को हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरी चीज सूझ नहीं रही है भाजपा के शासनकाल में। लेकिन आम आदमी ने ये मुद्दे भी उठा रहे हैं शेषपाल जी, कर्णप्रयाग के अंदर जो चटवा पीपल है वहां कभी भी रोड लैंडस्लाइड नहीं होती थी, मगर अब ब्लास्ट कर करके इन्होंने सड़क ऐसी कर दी कि आज वहां पर मलबे में मलबा आ रहा है, लोग पैदल क्रॉस हो रहे हैं, सड़कें गाड़ियां क्रॉस नहीं हो रही है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे कि जो खाकरा है, खाकरा में भाजपा जो पुल बना रही थी, यदि वो जगह कच्ची थी
तो भाई भूगर्भ वैज्ञानिक की रिपोर्ट पहले क्या कह रही थी, क्यों आपने ऐसी जगह पे पुल बना दिया कि बनता पुल नीचे गिर गया, 85 करोड़ का नुकसान हो गया। अब आप ऑल वेदर की हालत देख लीजिएगा, ना तो वो गर्मी सहन कर पा रही, ना वो बरसात सहन कर पा रही, ना वो सर्दी सहन कर पा रही, तो फिर ये ऑल वेदर किस बात की है? भ्रष्टाचार की। डिस्ट्रिक्ट रोड इतनी बुरी स्थिति में है गरिमा जी कि गांव को कनेक्ट करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट रोड होती है वो आधे आधे किलोमीटर तक गायब है। अब ऐसे में हम ये कह दें कि ये तो भाई साहब बरसात है, होना ही है। ये भाजपा गर्मियों में गर्मी का बहाना बनाती है, सर्दियों में सर्दी का बहाना बनाती है, बरसात में बरसात का बहाना बनाती है। हम तो नहीं कह रहे ना, यात्रियों को ये रोकती है पंजीकरण के नाम पर, विकास को ये रोक रही है, और घोटालों की जो बाढ़ आई है, हम तो नहीं कह रहे ना। अगर आप लोग इस पर डिबेट नहीं करते तो शायद जनता तक ये बात अभी पहुंच भी नहीं पाती। मगर जब राज्य के अंदर हर तरफ से अव्यवस्था बनी हुई है, आप दिखा रहे हो, हम जनता के बीच में जनता की बात रख रहे हैं। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का ये कहना कि घोटाले तो जो है कोई नहीं है, भाई आप ये बताइए कि इस आपदा के उसमें मुख्यमंत्री जी जम्मू कश्मीर में क्या कर रहे? अरे वहां की सरकार बनाना आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है या उत्तराखंड की जनता को न्याय दिलाना ज्यादा अच्छा लग रहा है? ठीक, मगर क्या करें, उन्हें पता है कि दिल्ली के आका ने कह दिया है अगर नहीं गए तो जो है हमारी कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए वो जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी पे लगे हैं। हमारे राज्य की दुर्दशा के पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आकंट भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है। ठीक है, आप जवाब लेते हैं। राज्य की जो है दुर्दशा है और आप लोग दिखा रहे हो, ठीक है, मगर ये राजनीतिक बेईमान पार्टी, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनको तो चुनाव का मुद्दा हिंदू मुस्लिम दिखता है, और इसीलिए घोटालों पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा विश्वास है जनता समझ रही है, आने वाले समय में इनको जरूर सबक सिखाएगी। चलिए ठीक है, अब जवाब लेते हैं। राजेश्वर जी हैं। राजेश्वर जी, डबल इंजन की आपकी सरकार और उसके बाद ये हालात है। आपने खुद ही कहा था 60-80% पहुंच गए, डबल इंजन की सरकार में भी आप 100% नहीं पहुंच पा रहे हैं, या फिर ये एक सेफर साइड कह दिया है कि 80%? नहीं नहीं, देखिए 100% एक ऐसा वो होता है, टारगेट होता है जो हर बार बदलता रहेगा। आप जैसे जैसे डेवलप होते जाएंगे, आप आज जिस चीज को 100% समझते हैं वो कल की डेट में 90% हो जाता है, 90% भी आ जाता है, क्योंकि आप नई टेक्नोलॉजी, नई चीजों और आपकी आकांक्षाएं, आशाएं और विश्वास बढ़ता जाता है कि ये चीज नहीं, इसके अलावा ये बेहतर और बेहतर हो सकता था, इसके अलावा ये और बेहतर हो सकता था। तो आपकी जो बेहतरी है वो 100% का जो है, क्योंकि आप एक बार अगर 100% भी कहीं पहुंच गए तो फिर तो आपके आगे डेवलपमेंट होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे। तो 100% एक आपका एक टारगेट रहता है कि 100%। हम पहले से बेहतर हुए कि नहीं, हम पहले से बेहतर हुए, हम पहले से ऑल वेदर रोड बना पाए कि नहीं, हम पहले से ऑल वेदर रोड बना पाए, हम पहले से ऋषिकेश से मान लीजिए बद्रीनाथ 12 घंटे पहुंचते थे, हम आज 8 घंटे में पहुंच पाते कि नहीं, हम आज 8 घंटे पहुंच पाते। हम पहले जो था, अगर रोड बंद हो जाती थी बद्रीनाथ केदारनाथ की, हम 4 दिन तक नहीं खोल पाते थे, अब हम 4 घंटे में खोल लेते हैं। तो ये आपका अचीवमेंट है। जो हमारे माननीय भट्ट जी भी कुछ बता रहे हैं कि कुछ जगह पर जो रोडे हैं ब्लॉक हो जाती है या कुछ पहाड़ धसक रहे हैं, मुझे लगता है कि उन चीजों को भी और में देखना चाहिए, समझना चाहिए कि इनके जो बातें जो कह रहे हैं उसमें वास्तव में साइंटिफिकली कितना दम है। आप सस्टेनेबल ग्रोथ पे रहेंगे, ग्रोथ करेंगे, सस्टेनेबल ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन जब भी आप ग्रोथ करेंगे उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, तो आप साइड इफेक्ट को नहीं कर सकते। अभी हमारे माननीय बिष्ट जी कह रहे थे कि 1-2 साल या 6 महीने में रोडें खराब हो गई या 5 महीने में रोडें खराब हो गई, हम मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं हो सकती रोडें खराब है, आप ये मान के चलिए कि हर रोड तो ठीक ही नहीं हुई, उनका क्या कहेंगे? सस्टेनेबल टाइम लगेगा और उसमें टाइम लगता है सेटलमेंट होने का, कोई भी रोड सेटल होने का। उत्तराखंड के पहाड़ न तो उतने मजबूत है न उतने हुए। अब हम बात कर लेते हैं रुड़की शहर की भी, बात कर लेते हैं रुड़की शहर की, जहाँ की बातें कर रहे हो, जिन गलियों की बातें कर रहे होंगे उन गलियों में क्या क्या चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, वो प्रैक्टिकली की जा रही होंगी। वो थ्योरेटिकल बातें करने लगे कि हमें एकदम ही 100% सब चीजें जैसा हम चाहते हैं वैसे परफेक्ट हो, तो मुझे लगता है कि शायद अतिशयोक्ति की बातें करते हैं, अतिशयोक्ति वास्तविकता में धरातल पे नहीं हो पाती। ठीक है, देखिए अतिशयोक्ति वास्तव में धरातल पर नहीं हो रही है, लेकिन कम से कम विकास, आम विकास, सड़कों की चीजों को तो बेहतर होना ही चाहिए हर स्थिति में।
चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज के इस चर्चा में आने के लिए। उम्मीद है कि देवभूमि में सड़कें ठीक होंगी और आम जनता को इस समस्या से राहत मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जोड़ने के लिए। देवभूमि के दंगल में इतना ही, आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।